वैसे तो दोस्तों फिल्में लाखों करोड़ों बनी है आज तक, लेकिन कुछ ही फिल्में ऐसी बनती हैं जो अपनी छाप लोगों के दिलों में छोड़ती हैं और एक यादगार कल्ट क्लासिक फिल्म बन जाती है, जिनका सीक्वल बनाने के लिए स्टार तो एक्साइटेड रहते ही है लेकिन फैंस उससे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं उस फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए। मगर दोस्तों कल्ट फिल्म का सीक्वल बनाने से उस फिल्म का डायरेक्टर ही नहीं बल्कि और भी बड़े बड़े डायरेक्टर डरते हैं, और उसके पीछे की वजह है दोस्तों अगर फिल्म अच्छी नहीं बनी तो फिल्म के डायरेक्टर को लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है, अगर फिल्म का सीक्वल अच्छा बनता है तो फैंस उस फिल्म को भर भर के उम्मीद से भी ज्यादा प्यार देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गदर 2 को ले लो, जिसने आते के साथ ही बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही अजय देवगन की एक कल्ट फिल्म थी फूल और कांटे, जिसमें अजय देवगन के साथ अमरेश पुरी नजर आए थे और फिल्म को डायरेक्ट किया था कुक्कू कोहली ने। अजय देवगन को एक्शन सुपरस्टार बनाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ है, और अब 33 साल बाद इस फिल्म का रीमेक बनने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन ने जाहिर किया है कि वो फूल और कांटे का रीमेक बनाने की प्लानिंग में है। अजय देवगन ने बताया कि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो आइकॉनिक फिल्म फूल और कांटे का रीमेक बनाए। हालांकि दोस्तों इससे पहले 2018 के टाइम में भी ये खबरें आ रही थी कि रोहित शेट्टी फूल और कांटे के रीमेक को डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर अब खबरों का बाजार गर्म है कि इस फिल्म का अजय देवगन रीमेक बनाने की प्लानिंग में है। और जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अजय देवगन और सलमान खान काफी अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए सलमान खान काफी बार अजय देवगन की फिल्मों में कैमियो करते हुए नजर आते हैं। और सन ऑफ सरदार में अजय देवगन और सलमान खान की केमिस्ट्री को एक कैमियो के तौर पे बहुत पसंद किया गया था। फैंस तब से ही चाहते थे कि ये दोनों एक साथ एक फिल्म में नजर आए, और शायद ये फैंस की डिमांड बहुत जल्द पूरी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों खबरें आ रही कि सलमान खान और अजय देवगन बहुत जल्द एक बड़ी एक्शन फिल्म में नजर आने वाले हैं, और रूमर्स की माने तो ये फिल्म फूल और कांटे 2 भी हो सकती है। हालांकि दोस्तों इससे पहले दबंग 4 में भी अजय देवगन के कैमियो की खबरें थी, लेकिन अभी तक दबंग 4 पर काम चालू नहीं हुआ है। हालांकि 2025 में इन दोनों के साथ कुछ बड़ा आने की प्लानिंग में है, लेकिन अगर ऐसे में दोस्तों फूल और कांटे 2 की खबर सही होती है तो आप इन दोनों को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए माय टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ।